तेरा चैनल है, क्या हो गया? बाहर तू ऐसे करेगी, तेरा चैनल है, भाई भाई हम दोनों का चैनल है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपके अपने रेट्स, आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के। सो गाइस, आज की वीडियो में होने वाला है ना धमाल। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। आज हम करने वाले प्रैंक ऑन यश चौधरी पार्ट टू, तो जिसमें इन्होंने किया बहुत अच्छा रोल, ये भाभी बन के आया है मेरे। और यार वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मैं नहीं बताने वाली वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है यार इस बंदे ने मेरे को आज तक कितना ज्यादा रुलाया। तो यार आज तो चुन चुन के बदला लेना यार, रुलाना तो बनता है ना। चलो देखते हैं रोता है या नहीं रोता, वो तो पता नहीं, चलो वीडियो में पता चलेगा। चलो कॉल करते हैं उस बंदे को, कहाँ पे ऐसी तैसी करा रहा है, बहुत रुलाता है ना मुझे। चलो कॉल करते हैं ना, होगा तो सीपी में ही। आज तो इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, मजा आने वाला है। चलो यार, हेलो, कहाँ पे हो? मैं यही हूँ रास्ते में, तुम कहाँ हो? मैं तो यही पे सीपी यार शूट करना था ना, कहाँ चले गए तुम? मैं जैवल से पहुंच गया हूँ, बताओ कहाँ पर, वही आता हूँ। आ जाओ यार, गेट नंबर 5 है ना। हाँ। उसी की पार्किंग में खड़ी हूँ तुम्हारा, वेट कर रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी जल्दी आ जाना। लेकिन वेट मत कराना हमेशा की तरह यार, बहुत बुरे हो तुम। वो तो आदत है भाई मेरी, प्लीज यार अपने आप पे तोड़ना होती है। चलो मैं आता हूँ ना, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है? पार्किंग में हूँ गेट नंबर 5 की, ठीक है? ठीक है ओके, चलो। लेट क्यों है? अच्छा लेट तो मैं हूँ, तुम नहीं हो। हाँ। वो तो तुम हमेशा ही होते हो, तुम्हारा रोज का है, छोड़ो तुम। चलो मैं आता हूँ, फिर करते हैं बात, है ना? ओके चलो, बाय बाय। तो यार आज मैं बात करने वाली हूँ वाओ के एसीवी फेस वॉश की, एप्पल साइडर विनेगर। तो यार आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते थे कि मैम आप फेस पे कुछ लगाते हो या कुछ खाते हो, तो मैं आपको बता दूँ मैं कुछ लगाती या खाती नहीं हूँ, मैं यूज़ करती हूँ वाओ का एसीवी फेस वॉश। तो यार आप लोगों को पता ही है, आप जो भी अपनी स्किन पे यूज़ करोगे वही आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी। तो इसलिए जब बात फेस की आती है तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, और प्रोडक्ट आपको हाई क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। तो यार वाओ बना है हिमालयन एप्पल से, ये है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो यार मैं खुद भी इसे अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर सकती हूँ कि ये बहुत ही सेफ है, 100% सेफ, 100% रियल है। तो यार आपको पता ही है यार, बाहर से आप लेके कुछ भी यूज़ कर लोगे तो उसकी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है, और आपकी वो स्किन को हार्म भी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो यार इसमें ये ब्रश के थ्रू आता है और ये इजी टू यूज़ है। इस ब्रश से अपने फेस पे मसाज भी कर सकते हो, और इससे मेरी जो स्किन की ब्लड फ्लो है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। और यार आपको पता है स्किन की ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने का मतलब है आपकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो आपको मैं बता दूँ, इससे पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स, ये सब भी खत्म हो जाता है। आपको इसको जस्ट यूज़ करने के 20 सेकेंड आप इसको वेट करें, और उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। तो यार एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस फेस वॉश का जो पीएच है वो बहुत कम है। इस फेस वॉश का पीएच है एसिडिक, ये आपके फेस को किसी प्रकार से हार्म नहीं करेगा, और यार बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो यार इस कमाल के एसीवी फेस वॉश का लिंक, एप्पल साइडर विनेगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया। वेट करते हैं, आ रहा है, बोल रहा है 5 मिनट में है, देखते क्या होने वाला है वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, धमाल होने वाला है आज। तो यार सारे बदले ले ही लेंगे यार, तुम मेरा साथ देने वाली हो ना? बिल्कुल। चलो वेट करते हैं 5-10 मिनट। आगे बोल, कहाँ पे हो? हेलो, कहाँ हो? अरे मैं बेटा दिख गया यार, यही है, सामने ही हूँ। क्या कर रही हो पार्क में? कुछ नहीं, तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुमसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? अच्छे लग रहे हो आज तो, हैंडसम लग रहे हो। अरे वो पता नहीं, वैसे ही मन कर जाता कभी कभी। अच्छा जनाब, बस आप बताओ मेम साहब कैसे हो? बताओ शूट। अरे आ जाएगा कैमरामैन, आएगा जब करूंगा आराम से, तुम्हें तो पता है मैं लेट ही करता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा हो गया? नहीं यार अभी तो नहीं हुआ, तुमसे बात करनी थी जरूरी, मैंने बोला फिर करेंगे शूट, पहले बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ बताओ? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा धमाका है मेरे पास। धमाका? ऐसा वाला धमाका तो नहीं जैसे पिछली बार मैंने दिया था तुम्हें प्रैंक करते टाइम? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो ना तुम्हारे सरप्राइज है बहुत बड़ा, सरप्राइज तुम्हें किसी से मिलवाना है। पक्का प्रैंक कर रहे हो मेरे ऊपर? मुझे पक्का पता है, दिमाग में प्रैंक घुस चुके हैं तुम्हारे। मेरी बात सुनो, और ये सामने खड़ा कर रखा है भाई, क्या सीन है यार? एक बात बताओ, हैं कैमरा प्रैक्टिस कर रहे हो, सेटिंग देख रहा है, ठीक है अभी शूट करना है बात। यार एक बात बताओ, तुम अपने आप में इतने समझदार बनते हो, अगर सही बताओ मैं तुम पे प्रैंक कर रही होती तो कैमरा क्या सामने, मतलब सामने लगा होता है, को सामने खड़ा कर देती यार। हद, कुछ तो सोचो दिमाग से, भगवान ने ऊपर वाले ने दिमाग दिया नहीं दिया? ये बात तो है। बस फिर बताओ ना, बता तो रही है सरप्राइज है एक बहुत बड़ा, तुम्हें किसी से मिलवाना है। एक मिनट,
मिलवाना है मतलब? यार कोई आया ना तुमसे मिलने के लिए स्पेशल? कौन है बताओ? है कोई, मिलवाती हूँ। पक्का कोई मजाक तो नहीं है? नहीं नहीं, और बताओ। वैसे मिलवाती हूँ, कोई मजाक नहीं है यार। हमेशा तुम्हारे दिमाग में प्रैंक प्रैंक कीड़ा घुस चुका है, प्रैंक का कीड़े बन चुके हो तुम। प्रैंक प्रैंक, मेरी बात सुनो, मैं मिलूंगा। एरिक मेरी बात सुन मेरे भाई, प्लीज यार तू इधर आ जा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तू आ जा भाई। ठीक है भाई, तू बंद कर दे, तू बंद कर दे। अगर चालू भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू बंद करके आ जा यार, ठीक है? हाँ, किससे मिलवाना है भाई? तुम भी साथ ही चलो वरना मैं वो तो लेके चलूंगा भाई, इसीलिए बुलाया अपने पास। मैं वहमी ठीक हूँ, किससे? आज तुम्हें एक ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है ना कि तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाओगे। बताओ ना क्या बात है? पिन नंबर आ गया क्या? अरे नहीं, फिर यश। हाय हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप? ऐसे रिएक्शन नहीं दे रहे, भाभी है मेरी। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम। आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? आप दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है शादी के लिए। मजाक मत करो, दोनों मिलके ना, सच में यार मजाक। कैमरा यहाँ है, एरिक यहाँ है, तुम मतलब कभी तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में। एक बात बताओ, शादी जैसी चीज को लेके कोई मजाक करेगा क्या? नहीं, आप लोगों के इतने चर्चे सुन रखे हैं, आप इतनी सारी वीडियोस में आ रखे हो, और घर वालों को सबको सब कुछ पता है, ठीक है, कि आप दोनों का क्या चल रहा है। बट भाभी कुछ, भाभी हमारा कुछ भी नहीं चल रहा, सच बता रहा हूँ मैं। ये मेरे को कोई लव यू कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब फीलिंग्स भी कुछ भी नहीं चल रहा, सच बता रहा हूँ मैं। यार झूठ बोला होगा इसने, कुछ भी नहीं है सच में। इसने बताया कि मतलब आप उसको लाइक करते हो और आप शादी करना चाहते हो, तो ये तो एक तरफा हुआ ना, ये छोड़। एक तरफा क्यों हुआ? प्यार नहीं करते मुझसे? हाँ एक्सेप्ट करो ना यार भाभी के आगे, डर क्यों रहे हो? हाँ डर यार, बात ऐसे तुम बाल मैं करता हूँ तो ये थोड़ा करती है। ऑब्वियसली करती है, तभी तो घर में बात की है। मुझे यकीन नहीं यार, मम्मा पापा भी बोल रहे थे कि मम्मा भी आ रही, आने वाली हैं। मम्मा आने वाले हाफ एन आवर में, और मम्मा पापा बोल रहे थे कि यार तुम्हारे ज्यादा ही चर्चे हो रहे हैं, तो तुम एक ही फील्ड के हो, तुम दोनों का चैनल है, तो तुम दोनों साथ में एक ही हो जाओ, शादी कर लो, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी वीडियोस बनाना साथ में, 1000 वीडियो बनाने दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वीडियोस के लिए शादी कर रहे हो या फिर मेरे लिए, मेरी फीलिंग्स के लिए करोगी? एक बात बताओ। मैं फीलिंग्स है तभी तो बात किया ना, ऐसे मैंने आप किसी लड़की के लिए बात थोड़ा किया, घर पे शादी के लिए। शादी एक बहुत बड़ी चीज है। और आप खुद सोचो यार कि मतलब शादी के लिए क्या किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के के लिए बात करेगी क्या घर में? और प्रैंक तुम कर सकते हो, शादी वादी वाला चूड़ा वूड़ा पहना के ले आना, लेकिन मैंने मेरी बेइज्जती कर रहे हो मेरी तो सच्ची यार, वो तो काम था तो कर दिया इसलिए। मेरी तो सच्ची वाली फीलिंग्स है ना, तो इसलिए मैंने घर पे बात किया यार। और अभी भी मजाक लगता है तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि एरिक भी यहाँ है, कैमरा भी उसके पास हाथ में है। तो आपको रिट्स पसंद है? वो तो हमेशा से ही है, बहुत ज्यादा, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। पूछने वाली बात है तो इतनी शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ना कि ये कल करें, करनी तो है ना, तो अच्छा है ना कि शादी हो जाती है, शादी के बाद अपना करियर अच्छे से स्टार्ट करना दोनों। आई एग्री विद यू, बट किसी की चीज की रोक टोक होगी अभी तो? फिर भी थोड़ी बहुत चीजों के लिए तो घर वाले बोलते ही है ना कि नहीं, वीडियोस को लेके कि अब देखो शादी नहीं होगी ना तो फिर लोग बातें बनाना स्टार्ट करेंगे, तुम्हें तो पता है। तो वो तो यार छोड़ो ना, वो तो दुनिया है, लेकिन मेरे लिए भी तो अनएक्सपेक्टेड है एकदम से। कैसे मैं, एक होता ना लड़का पहले धीरे धीरे लव यू टू सुनता है, मैंने तो सुना ही नहीं। बात नहीं, हम डायरेक्ट आपके घर वालों से बात कर लेंगे, आपको पसंद नहीं, नहीं, है ना, मतलब आप दोनों राजी तो क्या करेगा काजी? यार मेरे को पता है, मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, कभी खुद से बोला नहीं है मुँह से कि हाँ ठीक है मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन सच ये है कि मैं वो रिलेशनशिप चाहती नहीं थी कभी, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हें तो पता है कि खत्म हो जाता है यार, थोड़े दिन का है, सबका खट्टा है। तो यार डायरेक्ट शादी करनी है मुझे तो, इसलिए भाभी आए और मम्मा भी आ रहे हैं, तुमसे स्पेशल मिलने के लिए आ रहे हैं लोग इतनी। तो बता तो देती, मैं नहा के तो आता है पागल कसम से यार, हाथ दे यार। शादी के बाद नहीं नहाओगे? नहीं मैं हमेशा नहाऊंगा, फिर भी यार मम्मी आ रही है, भाभी तो चल जाता है, फ्रेंडली हो जाती है, बट मम्मी आप अभी भी हैंडसम लग रहे हो। बात करो, मैं आता चाय पी के, ठीक है? ठीक है चलो आ जाना, बात तो मुझे भी करनी है। मैं क्या बोलूं यार भाभी, आपने तो बोलती बंद करा दी मेरी। इसमें बोलती बंद कराने वाली क्या बात है, जो मतलब चल रहा था हमने डिसाइड किया कि चलो क्या अजीब सा सरप्राइज है ये मेरे लिए, और मतलब सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता है, जब दोनों दूसरे को लाइक करते हो ऑब्वियसली घर वाले तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। आप तुम लोग तो शादी के लिए तो सोचने से रहे, ये फैसला तो घर वाले ही लेंगे ना। खुश हो? खुश तो बहुत हो यार, मन में तो लड्डू फूट रहे होगे ना। हाय हाय ब्लश ब्लश। अच्छा मम्मा का कॉल आ रहा है, मैं जरा अभी एक सेकंड बात करके आती हूँ। हाँ मुझे ही बात करनी है। आप दोनों इतने कंटिन्यू करो। क्या है यार ये, मतलब अचानक से कैसे यार, बैठ मुझे बैठ, बात करो, ये बात करनी है यार मुझे, क्या है ये? तुम हमेशा ही तो यही चाहते थे यार कि हम लोग एक हो जाए, हम लोग साथ रहे, हमेशा यही चाहते थे ना,
हाँ, मतलब हो रहा है, सेम चीजें हो रही है जो तुम चाहते थे। और यार देखो, मैंने आज तुम्हें हाँ इसलिए नहीं बोली, रीजन यही है कि मैं बहुत सीरियस वाले रिलेशन में थी। तुम्हें बताया उस बंदे ने, वो बंदा कितना घटिया निकला, उसने मेरे को चीट किया, ठीक है। तो यार मैं चाहती नहीं थी वो चीजें दोबारा रिपीट हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हें पता है ये थोड़े दिन ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने तुमसे डायरेक्ट शादी वाली घर पे बात की। और मम्मा पापा आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, आ रहे हैं, भाभी से तुम्हें मिलवा दिया। कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है यार, तो कर ले सच्ची। मैं भी बहुत खुश हूँ, बता तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है मुझे। पता, एक बात बताऊँ, अगर तुम ये सब ना भी करती ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहता। बट यार मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ऐसा स्टेप भी उठा सकती हो मेरे लिए, सच में बिल्कुल नहीं सोचा था। तो आई एम प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया, आई लव यू लॉट। आई लव यू टू। और मैं क्या बोलूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, तू ही वेरीफाई है कि घर शादी वादी का प्रोग्राम कब तक का बना रहे हैं? ये जनवरी में ही कर रहे हैं ना। पागल हो गया क्यों? अब यार बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी ना मुझे भी। तो क्या हुआ, मम्मा पापा मेरे तुम्हारे मम्मा पापा से बात कर लेंगे यार? क्या दिक्कत? वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें पता है ना, थोड़ा और फोकस करना जरूरी है काम पे भी एकदम। तो से साथ मिलके फोकस करेंगे ना यार। 1 मिलियन भी करने हैं ना यार, देखना 1 मिलियन तो करने हैं, जल्दी करने हैं यार। और देखो यार, पब्लिक भी कितनी खुश हो जाएगी, सब चाहते थे कि हम लोग एक हो जाए। तो मतलब जितनी वीडियो बना करेंगे सारी चूड़े में बना करेंगे। जैसा तुम चाहो, जो तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। आज पता है तुमने मेरी लाइफ का मुझे सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है। मैं सोचता था यार मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, बट ये जो तुमने दिया है ना मुझे, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो आई एम सो हैप्पी। बस तुम्हें खुश करने के लिए तो आई थी यार। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें जितना भी रुलाया उन सब के लिए यार। मतलब आज के बाद प्रैंक ऑन रेड 7 नहीं होगा ना? नहीं यार, पागल है, मैंने क्या तो हम मतलब शादी कर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी फियांसी है यार, किसी से भी है ना? बिल्कुल बोल सकते हो यार, अब तो इतनी आगे तक बातें हो चुकी है। सब खुश है, पता तुम्हें, मम्मा पापा खुश है, तुम नहीं? मैं भी बहुत खुश हूँ यार, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट मतलब उतना ना सोचा नहीं था ना, किसी घर से किसी और मूड से आया यहाँ आके, हाँ यहाँ आके कोई और मूड, तो अच्छा हो गया सब कुछ। घर पे ना आज कबूतर ने बीट भी करी थी, मैं सोच रहा था आज अच्छा होने वाला है कुछ। वैसे सच बताऊँ तो मैं नहा के तो आया था। वो तो तुम्हारी आदत है ना मजाक करने की। हाँ इसीलिए यार गालों में दर्द हो रहा है ब्लश कर करके यार। मेरे भी यार खुशी है ना, प्रॉपर खुल के बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। आज तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। शुक्रिया शुक्रिया, प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरे पास यार कुछ मिठाई विठाई भी नहीं थी, भाभी को ऐसे भेज दिया, चली गई। कोई बात नहीं, मम्मा आ रहे हैं ना तुमसे मिलेगी मिठाई, वो तुम्हारा मुंह। कुछ चॉकलेट वॉकलेट लाने, बदतमीज यार, कभी तुम्हारी चॉकलेट तक भी नहीं लाता मैं। कोई बात नहीं, लास्ट टाइम लाए नहीं थे प्रैंक के लिए, चलो लाए थे, कोई बात नहीं। यार याद है, हद है यार, अब तो भूल रहे यार उस बात को। प्रैंक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, मतलब मरते दम तक नहीं भूल सकती। रब ना करे तुम मरो यार। यार मन तो करता तुम्हारे साथ पार्ट 100 पार्ट निकाल देने चाहिए प्रैंक वाले, लेकिन यार छोड़ो यार, चार सही बात है, इसी लिए मन नहीं करता। मैं अब नहीं बनाया करूँगा, पक्का पक्का प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस, नहीं बनाऊंगा। ठीक है, खुश हो? बहुत ज्यादा। हाँ सच्ची, हाथ के द्वार, सच में यार क्या हुआ, कभी ऐसा हो कि ये सब कुछ तरह लग रहा है ना, सब कुछ यार। Obviously बात है, तभी तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूं मैं, बस हाँ ठीक है। तुम्हें पता है कभी कभी ना सपने होते हैं ना, वो प्रैंक में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या क्या हो गया? मजाक मत करो, देखो मैं किसी और मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है? मुझे पता है ये तो तुम मजाक नहीं कर रही हो। भाभी को लेके आई हूँ इतनी दूर से, हाँ, तो मजाक करूंगी? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। यश चौधरी प्रैंक कर सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो रेड 7 प्रैंक नहीं कर सकती यश चौधरी पे पार्ट 2? यार देखो सीधी सी बात है, 3 पार्ट तो तुमने निकाल दिया है, मन तो मेरा ऐसा ही था कि मैं दूसरा पार्ट। तो अब बना के क्या करोगी यार, सीधी बात है ना, छोड़ो ना। कोई बात नहीं ना, अभी तो नहीं है ना फिलहाल, चलो कोई नहीं। मम्मी का है? मम्मी आ रही है ना। अच्छा सही है, अब मम्मी कहाँ से लेके आऊँ, मतलब भाभी तो पकड़ ली। पकड़ ली मतलब मेरा कट चुका है। तो तुम्हें क्या लगा, मतलब तुम ज्यादा तेज चैनल बनते हो, कैमरा एक ही लगता है क्या? ये कहाँ है? दो लगती है, हम तुमसे ही तो सीखी है मैंने ये चिरागपंती। वो देखो कैमरा, वही ढूंढ लिया मैंने। अबे यार एक बात बताओ, प्रैंक ऑन रेड 7 पार्ट 1, प्रैंक ऑन रेड 7 पार्ट 2, पार्ट 3, शिट यार मतलब जिंदगी
खराब कर दी तुमने प्रैंक कर करके, और तुम ये चाह रहे हो कि मैं प्रैंक को यश चौधरी पार्ट टू ना बनाऊं। ये लेकिन ये गलत था। अच्छा मुझे प्रॉब्लम नहीं है वीडियो यूट्यूब पे जाए ना जाए, लेकिन सच बता रहा हूँ जितने लोग इसको देख रहे हैं ना, नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता देना क्या ये वाली जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, अच्छा, मतलब ये सही थी या गलत थी। अच्छा तुम करो तो सही, हम यार तो मेरा ना थोड़ा अलग वे में जाता है फनी में, पता नहीं मुझे किस वे में जाता है, लेकिन ये वाला जो गया है ना, ये वाला मेरे यहाँ गया है यार। मैं मेरे लास्ट वाला मेरे यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ सारी जगह गया था, ठीक है, नींद नहीं आई थी इतने दिन, रुला दिया, बेइज्जती करा दी, सब बोल रहे हैं रिट्स रोती हुई बड़ी क्यूट लग रही है। भाभी को तो बुलाओ जी ने पकड़ा था काव्या। आप इधर आइए, आप भी, आप इन्हें कहाँ मिले? वेल डन भाभी। कहाँ मिले आप इन्हें? आप बैठो यार, आप बैठो ना यार। कहाँ मिले आप इन्हें? हम यही मिल गए बस। कुछ एक्टिंग के पैसे वैसे? She's my good friend. मतलब मेरा कट गया, हमने सोचा। बट यार ये गलत करवाया आपने साथ देखे इस मामले में यार, सीरियसली तुम मेरी फेवर में हो। एक बात बताओ, आप हमेशा उसको तंग करते रहते हो, ठीक है, सोचा इस बार हम प्लान कर लेते हैं तंग करने का। बट यार बहुत गलत बात है यार, यार ये तो नहीं है ना, हमेशा तुमने क्राइटेरिया ले रखा है क्या इसको तंग करने का? मैं जा रहा हूँ बस बैठो। क्या बोलूँ यार अब मैं, इधर आओ। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ओले ओले मेरा बच्चा। कुछ नहीं यार, यार दिल दुखा है भाई सही में बहुत। यार हमारा तो दिल ही नहीं है, भगवान ने हमें ऊपर से दिल ही नहीं दिया है ना भाई। कैमरा बंद कर दो यार प्लीज यार, रुक जाओ। नहीं नहीं कर दो यार, दिल नहीं है हमारा, दिल नहीं दुखता है ना। I'm so sorry, हमारा दिल तो पत्थर है। अरे यार समझ सकते हैं, लड़के का दिल तो दुखा ही होता है यार, दुखने दो भाई। मेरा कितनी बार दुखा है आपको पता नहीं है? वीडियो देख देख के आप भी रोए हो मेरी। हद होती है यार, रुला रुला के आधा कर दिया है। वो तो ना एक पेड़ होता है, पेड़ झड़ झड़ के कांटा बन जाता है, वो बना दी तुमने मुझे रुला रुला के, ठीक है। और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम पे प्रैंक पार्ट टू ना करूं, ऐसे तो 36 प्रैंक और होगे, चिंता मत करो। पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया प्रैंक ऑन रेड जोन नहीं होगा यार, वो मैं मुझे लगा तुम सीरियस थी इसलिए मैंने बोला था। अब तुम देखना, अब देखो यार, देखो लव स्टोरी वाला सीन वो हुआ ना ये क्लोज अप, अब तुम देखना मैं बताता हूँ प्रैंक कैसे होते हैं। अलर्ट भी किया है 36 प्रैंक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। तुमने एक दो कैमरे लगाए ना, मुझे देखना मैं कितने लगाऊंगा, कितने कितने पकड़ोगी, बार बार कैमरे लगेंगे, पकड़ना तुम कितने कैमरे पकड़ोगी। देखो डराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, जब तुम बोलोगे ना जरूरी बात करनी है तो मैं समझ आऊंगी प्रैंक करने वाला। बेफिक्र रहो, देख लेना तुम उसका, बंद कर दो यार, कर दो भाई बंद। प्यारा लग रहा है सैड होते हुए, अब ये प्यारा नहीं लग रहा रोते हुए, सैड होते हुए जैसे मैं लग रही थी रोते हुए। हद है यार, मजा आया मुझे तो काफी, मजा आया तुम्हें? मजा आया बहुत मुझे भी, आज एक हक कर लेते हैं। प्लान सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, बिल्कुल सक्सेसफुल तो होना ही था। कमेंट से ना अगर रिकॉर्डिंग चली रही है भर दो कमेंट्स बॉक्स, देखता हूँ कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग रिट्स को चाहते हैं। चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे चक्कर में। चलो खड़े तो, जो सदमा लग गया। चलते हैं शूट करते हैं, कोई बात नहीं नहीं यार।